हम नहीं बोलेगी बात। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर, हम नहीं बोलेगी बात। बहस ना अंधेरे पे करो, ढलने को है शाम, दिया जला आंगन धरो, यही जरूरी है काम, हम नहीं बोलेगी बात। मैं शशि प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सुवलदेव भारतीय समाज पार्टी। क्या मामला है आज? देखिए, हम लोग का मामला यह विगत 1 महीने से चल रहा है, और आज विशेष मामला यह है कि सरकार जो है डीजल और पेट्रोल का दाम निरंतर रोज कुछ न कुछ बढ़ा रही है। इतिहास गवाह है कि पहली बार डीजल पेट्रोल के ऊपर गया है। जिस तरह गधे पर बोझ डाला जाता है गधा ढोने के लिए, तो अब क्या हुआ, गधा आदमी के ऊपर आ गया है, समझ गए कि नहीं। उसी के विरोध में हम लोग आज पूरे उत्तर प्रदेश के 40,000 गांवों में हम लोग धरना दे रहे हैं। बनारस के 100 गांव में धरना चल रहा है, और मैं कई गांव घूमकर अभी आया हूं। यह अंतिम हम लोग का धरना यहां चल रहा है, 4 बजे तक धरना चलेगा। और सरकार जो है, केंद्र की और प्रदेश की सरकार जो है, मतलब इतनी नासमझ असंवेदनशील सरकार है कि यह देख रही है कि लॉकडाउन में 3 महीने से एक आलू के लिए गरीब तरस रहा है, एक रोटी के लिए तरस रहा है, कोई रोजगार उसके पास नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, कहीं से 1 रुपया की आमदनी नहीं है। उसके बाद डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाकर, यह डीजल पेट्रोल का दाम जब बढ़ेगा तो उसका असर तो नीचे से शुरू होगा, साग सब्जी दाल चावल आटा गाड़ी भाड़ा किराया सब पर असर पड़ेगा, तो इसको असंवेदनशील सरकार कहा जाएगा। दूसरी बात यह है कि आप भी जानते और हम भी जानते हैं, 6 साल से सरकार जो केंद्र में चल रही है, वो सरकार आने के बाद से पूरे देश की जनता में एक भय का माहौल है कि पता नहीं यह सरकार कल क्या कह देगी, कल क्या बंद कर देगी। जैसे रात को 8 बजे घंटी बजा के नोटबंदी, रात को 12 बजे घंटी बजा के GST, उसके बाद बिना इन्फॉर्मेशन के बिना किसी को बताए लॉकडाउन कर देना से कर दिया। अब लॉकडाउन में जो जहाँ जहाँ फंस गया वो तो फंस गया, बर्बाद हो गया, पैदल आया सड़क पे चला मर गया, बहुत सी चीज़ें हुई। तो इस सरकार से हम लोग को अब उम्मीद नहीं है, इसलिए हम लोग भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुवलदेव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोगों को हम लोग जोड़ चुके हैं, और आज कई करोड़ लोग तैयार हैं कि कल चुनाव हो जाए तो इस सरकार को उलट के हम लोग रख देंगे। और इस पेट्रोल और डीजल का दाम अगर लोग कम नहीं करते हैं तो आप सुनिएगा, आपके पास सूचना जाएगा, हम लोग यहीं पर पूरे बनारस में चक्का जाम करेंगे, और सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग को मायने में रखते हुए, और डरेंगे नहीं, और केस मुकदमा लिखेंगे तो लिखें, उससे भी हम लोग डरने वाले नहीं हैं, और जो डर गया सो मर गया। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग महाराजा राष्ट्रवीर सुवलदेव राजभर जी के वंशज हैं, और महाराजा सुवलदेव जी जिस तरह से राष्ट्र रक्षक के रूप में उन्होंने भारत की के महिलाओं को अत्याचार को और भारत को जो विदेशी आक्रमणकारी लूटने आए थे उनको बचाने का काम किया था, उसी तरह ये काले जो हैं हम लोगों के बीच में अंग्रेज, इनसे देश को बचाने के लिए हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। ठीक, सिद्धार्थ राजभर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वाराणसी युवा जिला अध्यक्ष। क्या कहेंगे सिद्धार्थ राज धरने के माध्यम जी? आज हम लोग सरकार के रवैयों को, जो गलत नीति है इनके विरोध करते हुए, जो पेट्रोल डीजल के दाम और किसानों को कर्ज लेकर कर्ज माफ नहीं हो रहा है, आए दिन गरीबों के साथ अत्याचार लूट खपोट जो चल रहा है, इसके कारण हम लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के निर्देशानुसार आज धरने बैठे हैं। अगर सरकार इससे नहीं मानती है तो हम लोग सड़क से लेकर सदन में भारी मात्रा में सब कुछ हम लोग धरना देंगे, और सरकार हम लोग के साथ कुछ भी करेगी, लेकिन जनता के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। पार्टी प्रदेश सचिव सुनील भाई, क्या मामले को लेकर आज यहाँ पे बैठना पड़ा है? आज हम लोग आप लोगों को याद दिलाना चाहते हैं, आप सम्मानित प्रेस मीडिया के माध्यम से अपने देश के सरकार को, कि 2013 में जिस तरह से स्मृति ईरानी जी मनमोहन सिंह जी को चूड़ी भेजती थी, अब भाभी जी आज कहाँ गायब हो गई हैं। आज समय आ गया है कि अपने देश के प्रधानमंत्री श्री
नरेंद्र मोदी जी को हम तो कहेंगे ब्रा के साथ साथ अंडरवियर भी भेजने की तैयारी, वो रख लें, नहीं तो हम लोग पैकिंग वैकिंग करा रहे हैं। यह जैसे दो मुहे सर्प वाली सरकार है, इस सरकार को हम लोग 2022 में उखाड़ फेंकेंगे। आज पेट्रोल डीजल की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, हिंदुस्तान ही नहीं हमें लगता है पूरे विश्व में यह पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल का दाम आज समान चल रहा है, बराबर चल रहा है। इस निकम्मी सरकार को हम लोग 2022 में अपने प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे और 2024 में केंद्र से उखाड़ फेंकने की तैयारी में हम लोग। हम नहीं बोलेगी बात चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों के भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ द लाइव पर हम नहीं बोलेगी बात। बहस ना अंधेरे पे करो, ढलने को है शाम, दिया जला आंगन धरो, यही जरूरी है काम। हम नहीं बोलेगी बात।